हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी फिर एक छोटा सा आइडिया लेके आई हूँ, बहुत ही यूज़फुल है। ये देखिए, यहाँ पे सिक्के पड़े हैं और ये मैंने यहाँ पर कॉइन पाउच बनाया हुआ है। इसमें ऑलरेडी इतने सिक्के मैंने भर रखे हैं और इसमें काफ़ी सिक्के आ सकते हैं, जो आपके पर्स में, गद्दे के नीचे, अलमीरा की दराज में, बच्चों की पैंट में इधर उधर पड़े रहते हैं, उनको इकट्ठा कीजिए, इसमें डालिए और कहीं भी शॉप पर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो थोड़ा सा चेंज हाथ में होना ज़रूरी है, तो उसमें भर के रखने के लिए बड़ा यूज़फुल है। और भी ये मैंने नेट का बनाया है तो इसके और भी काम हो सकते हैं। इसमें आप अपनी छोटी मोटी फोटोग्राफ्स रख सकते हैं, एटीएम का कार्ड रख सकते हैं, या किसी को इसमें ड्राई फ्रूट भर के या टॉफ़ी भर के गिफ्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये की रिंग के साथ है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। किसी भी तरह का बैग बनाना हो उसके लिए हमें किस सामान की आवश्यकता होती है, उसको कप क्विल्ट कैसे किया जाता है और उसमें जिप और रनर कैसे लगाए जाते हैं, इस सब की जानकारी आपको मेरे इन चारों वीडियो में मिल जाएगी। पहला है रिक्वायरमेंट फॉर मेकिंग बैग्स, दूसरा है DIY हाउ टू क्विल्ट, तीसरा है DIY बेसिक्स ऑफ क्विल्टिंग विथ पेंसिल पाउच, चौथा है स्पीडक्राफ्ट DIY जिप रनर ट्यूटोरियल। तो आप इन चारों को पहले देख लें, उसके बाद बैग बनाएंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। आज का कॉइन पाउच बनाने के लिए हमें सामान चाहिए 3x9 का प्लास्टिक नेट पीस, इस तरह से ये प्लास्टिक का है और ये मॉस्किटो नेट के नाम से भी हार्डवेयर की शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। फिर है 3 इंच की जिप जो मैंने रेड कलर में ली है, ये 3 इंच की है, रनर 1, पाइपिंग, की रिंग और फैब्रिक लूप 5 इंच जो मैंने इसमें पहले से लगा दिया है। चलिए अब बाकी का प्रोसीजर शुरू करते हैं। सबसे पहले नेट पर हम जिप लगाएंगे, तो जो 3 इंच का एरिया है उस पर हम जिप को, ये अब इसको हम मोड़ के सिल नहीं सकते, तो जिप को हमें इस पर सीधा ही इस तरह से रखना होगा। ये सीधी जिप रहेगी, ये देखिए इस तरह से, मैं दिखाती हूँ आपको, ये मैंने उल्टी जिप रखी, जिप के ऊपर इसको रख दिया है और इसको अब हम सिल देंगे। जिप खोलेंगे और दूसरी तरफ इसी तरह लगा देंगे। और इसमें अब हम पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग ये मेरी 1.5 इंच इसकी जो विड्थ है और इसको हम डबल करेंगे और जो सिलाई की थी इसी के ऊपर इसको रख के हम सिल देंगे। जिप पहले इसलिए लगा दी क्योंकि ये प्लास्टिक है, बार बार मुड़ेगा तो जिप की पकड़ सही बनी रहे, इसलिए हमने पहले इसको लगा दिया है। अब हम ये पाइपिंग इसके ऊपर रख के लगा देंगे। पाइपिंग को इस तरह मोड़ेंगे, यहाँ पे फिनिशिंग दे देंगे।
अब इसमें हम रनर डालेंगे। ये ज़िप मेरी करीब 4 इंच की थी बची हुई पीस की, तो मैंने इसको बढ़ा के लगा लिया। अब इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नेट निकालते हुए इस तरह से फोल्ड करेंगे, नेट को दबा देंगे और साइड में मशीन चला देंगे। और जो हमारे पास ये लूप वाला हिस्सा है, इसको हम जिधर जिप बंद हो रही है ऊपर की तरफ जा रही है उस तरफ यहाँ पर इसको लगा के सिल देंगे। चाहे आप जिप के ऊपर भी लगा सकते हैं, कॉर्नर पे भी लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो मैं यहाँ लगा देती हूँ ऊपर की तरफ। यहाँ पर मैंने 2-3 मशीनें चलाई हैं। अब ये जो पाइपिंग है हमारी, इसको हम यहाँ पर लॉक सिस्टम देते हुए, ये देखिए ये सीधी पाइपिंग ऐसे रखेंगे, ऊपर से यहाँ पर हम पलट देंगे करीब 1/2 इंच और इसको सिल देंगे। सेम ऊपर भी इसी तरह से मोड़ देना है। सीधा करेंगे, ये मुड़ा हुआ हिस्सा वापस अंदर मुड़ जाएगा और इसको हम इस तरह से डबल करके चौड़ी पाइपिंग दे देंगे। और ये हमारा छोटा सा कॉइन पाउच तैयार हो गया इस तरह से। और ये हमारी कीरिंग हो गई। अब इसमें हम चाहे तो अपना ATM भी रख के ले जा सकते हैं, अगर बाइक स्कूटी या किसी बस पैसे ही निकालने के काम से जा रहे हैं, या केवल कॉइन रख सकते हैं, या कुछ भी अपनी जो ज़रूरी चीज़ें हैं। तो चलिए अब इसमें हम थोड़े से सिक्के भी डाल देते हैं। देखिए मेरे पास कितने सारे सिक्के हैं, वो देखा जाए इसमें कितने सिक्के हमारे आ जाते हैं। इसमें नोट भी गोल करके डाले जा सकते हैं, देखिए। और इसमें हमें दिखाई देगा कि हमारे पास कितने सिक्के हैं, कहीं मंदिर वंदिर जाते हैं तो वहाँ
दान दक्षिणा देने के काम आ जाता है, या पर्स में रख सकते हैं। ये देखिए इतने सारे कॉइन हमारे इसमें आसानी से आ गए। तो ये था हमारा छोटा सा आइडिया और वीडियो, दोनों ही उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदनी फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार।